तो मरुधरा सूरज के हॉट टॉर्चर से तप रही है, गर्मी के आगे कूलर पंखे हाफ रहे हैं, तो एसी का तम निकल रहा है। बात करते हैं नौतपा के नॉन स्टॉप कहर की। प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जारी है। श्रीगंगानगर में पारा 85 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार 49.6 डिग्री पहुंच गया है और यहां इससे पहले वर्ष 1934 में जून में पारा 50 डिग्री रहा था। हालांकि मई में बताया आपको कि पहली बार पारे ने इस स्तर को छुआ है। चूरू में भी तापमान बढ़कर 48.5 डिग्री दर्ज हुआ है। इधर मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के लिए दो दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दौसा, धौलपुर, कोटा, जयपुर, झालावाड़, करौली, टोंक सहित अन्य जिलों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है तो पूरे उत्तर भारत में तापमान कम होने के अभी आसार नहीं है। गर्म शुष्क हवाओं का दौर अभी जारी रहने वाला है। दरअसल पाकिस्तान से सटे पश्चिमी राजस्थान और सिंध इलाके से गर्म हवाएं आ रही हैं और इनका असर पूरे उत्तर भारत पर है और दिल्ली NCR में भी गर्म हवाओं का प्रकोप जारी है। मई आखिरी से लेकर जून तक का सप्ताह देश के इस हिस्से में हमेशा ही सबसे गर्म रहता है क्योंकि सिर के ऊपर सीधे सूरज का असर रहता है। मौसम विभाग ने जारी किया है यहां पर रेड अलर्ट और पूर्वी राजस्थान के लिए दो दिनों के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर दौसा, धौलपुर, कोटा, जयपुर, झालावाड़, करौली, टोंक सहित अन्य जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर रखा है और आपको ये भी बता दें कि भीषण लू चलने की यहां पर चेतावनी जारी की गई है और अगले कुछ दिन में यानी कि राहत मिलने के जो आसार है वो दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस गर्मी से कैसे बचा जाए ये भी आपको बता देते हैं। और हमारी सहयोगी मेघा हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए। मेघा, अगर आज बात करें तो आज का तापमान क्या है और क्या लगता है कि मौसम कितने दिनों बाद बदलेगा? बिल्कुल चांदनी, आज के तापमान की बात करें तो जयपुर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है। हम लाल कोठी एरिया जो है जयपुर का वहाँ पे खड़े हुए हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए एरिया माना जाता है। यहाँ पे कोचिंग सेंटर सबसे ज़्यादा है और जब भी दोपहर हो, शाम हो या सुबह हो, स्टूडेंट्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वक्त अगर मैं रोड का नज़ारा आपको दिखाऊँ तो आपको बहुत इक्का दुक्का वाहन यहाँ जाते हुए दिखाई देंगे, स्टूडेंट्स भी बहुत कम दिखाई देंगे क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है, दोपहर हो रही है तो लोग निकलना अवॉइड करते हैं। 75 साल का जो रिकॉर्ड है वो गर्मी ने तोड़ा है। श्रीगंगानगर का रिकॉर्ड बात करें 49.6 सेल्सियस जो है वो तापमान वहाँ का रहा है, लेकिन जयपुर का भी कम नहीं रहा है। कल की बात करें तो कल हालांकि बादल बीच बीच में हो रहे थे, लुका छुपी चल रही थी बादल और धूप की, लेकिन फिर भी लू बहुत तेज थी और इसलिए जो मौसम विभाग है उसने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उसके बाद भी दो दिन आगे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सबसे जो हल्का होता है वो ग्रीन अलर्ट माना जाता है कि इसमें कोई चेतावनी नहीं दी जाती है या आपको कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है प्रदेश में। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी मौसम जो है बहुत तेज़ी से तापमान ऊपर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सब जगह ही हालात यही हैं। इस वक्त जो हम हैं यहाँ पे जूस के सेंटर हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि ये लाल कोठी एरिया। आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, अगर बात करें तो वहाँ का तापमान कितना है, वहाँ क्या लगता है कि कब तक मौसम बदल सकते हैं? देखिए, बीकानेर में ऐसा लग रहा है जैसे सूर्यदेव अंगारे बरसा रहे हों। अभी का तापमान जो है 45 के पार पहुंच गया है और देखिए मौसम विभाग ने खास तौर पर चेताया है कि पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड लू चलने की संभावना है 3-4 दिन। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कल श्रीगंगानगर का तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान रहा। खास बात यह है कि ये जो इलाका है पश्चिमी राजस्थान का, ये तेज गर्म हवाएं जब चलेंगी तो तापमान और बढ़ता है कहीं ना कहीं, तो 50 के आसपास जो है यहाँ पर तापमान पहुँचने की उम्मीद बताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक चेतावनी अपने आप में एक तरह से, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 50 का पारा क्या होता है। लेकिन जहाँ तक शहरों की बात है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, इन इलाकों में भी जो जिला कलेक्टर्स हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खासतौर पर अस्पतालों में व्यवस्थाएँ ठीक रहें, पंखे, कूलर इत्यादि की जो भी व्यवस्था बन सकती है वो
करवाई जा रही है। बीकानेर में भी कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने अस्पतालों का निरीक्षण किया था। तो कुल मिलाकर देखिए गर्मी का माह है और राजस्थान में गर्मी से डर के काम नहीं चल सकता, लेकिन हाँ लोगों के मुंह से ये जरूर निकल रहा है उफ ये गर्मी। बिल्कुल लक्ष्मण, अगर बात करें यहाँ पर तो तापमान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और देखा जाए कि तापमान में कमी कब आएगी इसका तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस गर्मी की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लक्ष्मण बिल्कुल ठीक कह रही हैं चांदनी आप, निश्चित तौर पर परेशानी लाजमी है, खास तौर पर जो दुपहिया वाहन चालक हैं उनको दिक्कत होती है, वो अपने आप को लपेट कर निकल रहे हैं, सर पर कपड़ा ले रहे हैं, कई बार बेहद जल्दी में वैसे भी निकलना पड़ता है, हेलमेट का उपयोग हो रहा है, तो दुपहिया वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है, खासतौर पर जो कामगार लोग हैं, मजदूर हैं, जो मुफलिसी में जीते हैं, उन लोगों के लिए ऐसी स्थिति में परेशानी और बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पर जनजीवन पर कहा जा सकता है फर्क पड़ा है, ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है और देखिए सर्वाधिक गर्म अभी हम देखें कल के तापमान का एनालिसिस करें तो बीकानेर संभाग ही रहा है, श्रीगंगानगर में 49.2 डिग्री, आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी वहां पर है और यहाँ भी जब जहां मैं खड़ा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ 45 के पार पारा है और चटक धूप है, बहुत तेज धूप है, जलन होती है स्किन पर, तो निश्चित तौर पर गर्मी बेहद है। बिल्कुल लक्ष्मण, और हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं आप उनसे भी बात करें कि उनको किस तरीके की दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस गर्मी की बात करें, इस तापमान की बात करें तो ये तापमान बढ़ता ही जा रहा है, बच्चों को किस तरीके की दिक्कत आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल चांदनी, यहाँ काफी सारे लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करती हूँ और उनसे जानती हूँ, चूंकि यहाँ दुकानदार भी हैं जो जूस वगैरह बेचते हैं, कॉपी किताब की दुकान से, उसके अलावा जो बच्चे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम से? जतिन। जतिन, आप यहाँ पे काम करते हैं? नहीं, मेरी शॉप है यहाँ पे, मोबाइल की शॉप है मेरी। मोबाइल, कितने स्टूडेंट्स में कमी आई है गर्मी की वजह से? टेम्परेचर काफी ज्यादा है अभी, क्या होता है बच्चे जब भी जाते हैं बाहर निकलते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है, गर्मी की वजह से अपने जरूरी काम को लेके बाहर निकलते हैं, अदरवाइज तो वो घरों में ही रहना अभी ज्यादा उचित समझ रहे हैं। जी, और आप यहाँ पे क्योंकि शॉपकीपर हैं, दुकान चलाते हैं, गर्मी काफी रहती होगी, तो आप रोड में कितना अंतर देखते हैं, सड़कों पे रौनक कितनी कम हो गई है, लोगों की आवाजाही कितनी कम हो गई? दोपहर के टाइम तो 25% ही रह जाती है सौ में से, वैसे अदरवाइज सुबह शाम ही बच्चे ज्यादा बाहर निकल पा रहे हैं, क्योंकि जब गर्मी कम होती है उसके बाद ही बाहर निकलते हैं, उससे पहले बाहर निकलेंगे सोचते ही नहीं है। क्योंकि रेड अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने, तो आप लोग किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा अपनी रखते हैं? यहाँ पे अभी सब लोग लिक्विड पे डिपेंड है, हमारी यहाँ पे बाहर जूस की शॉप है तो सारे बच्चे जूस ही पीना प्रेफर कर रहे हैं ताकि लिक्विड से थोड़ी सी गर्मी कम की जा सके। जी, आप बताएं, आप पढ़ने आए हैं यहाँ पे? जी मैडम। तो आप गर्मी कितना आपको अंतर दिखा, कहाँ से आए हैं? मैडम मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से ही है, पढ़ने आते हैं यहाँ पे? जी मैडम मैं चाकसू से हूँ, यहाँ पर रहता हूँ। तो गर्मी आज एक दो दिन की बात करें तो कितना टेम्परेचर हाई दिखा? टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा आई है, मतलब मैं रोजाना बाहर नहीं निकलता था, आज मेरे को अर्जेंट फूड कॉपी करवानी थी इसलिए फूड कॉपी करने लिया, शॉप के लिए, फिर मैं जूस पी लेते हैं, जूस के चक्कर में बाहर। बिल्कुल, मतलब इस टेम्परेचर में दोपहर में निकलना अवॉइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेघा, बने रहिए, हमारे सहयोगी लक्ष्मण भी हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से। लक्ष्मण, अगर बात करें तो तापमान जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इससे लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है, रेड अलर्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया गया, क्या लगता है ये नौतपा का ही असर है, नौतपा कब तक रहेगा, इससे लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर नौतपा में यहाँ गर्मी पड़ती है और निश्चित तौर पर उसी का असर है, बेहद तेज़ गर्मी है और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पश्चिमी राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने खास तौर पर अलर्ट जारी किया है कि प्रचंड लू चलेगी, 3-4 दिन आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, तो निश्चित तौर पर उसका असर। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ चांदनी, हम तो फिर भी यहाँ पर हैं लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान की सीमा भारत पाकिस्तान से जो लगती है, आप देखिए वहाँ पर जो पारा है कितना होगा और हमारे BSF की रणबाकुर किन मुश्किल परिस्थितियों में अपना फर्ज निभाते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो है उनकी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। कई बार हमने वहाँ जाकर भी खबरें की हैं, हमने बताया किस तरह से वो अपने साथ प्याज रखते हैं जो कि एक देसी टोटका होता है ताकि वहाँ पर उनको लू ना लगे, तो ये तमाम जो देसी नुस्खे हैं ये अजमाए जाते हैं गर्मी से बचने के लिए, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अपने आप को ढककर जो है लोग निकल रहे हैं। जी चांदनी, शुक्रिया। जी, और यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे सहयोगी शिवप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवप्रकाश, अगर जोधपुर की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, वहाँ पर भी तापमान लगातार जो है बढ़ता ही जा रहा है?
जी निश्चित रूप से चांदनी, जोधपुर में पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और तापमान जो है 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है। ऐसे में लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। जो मुख्य सड़कें हैं वह लगभग सूनी नजर आ रही है और जब तक लोगों के आवश्यक काम नहीं हो तब तक वह घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जब वह घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो गर्मी से बचने के जो साधन हैं उनसे बचने का प्रयास कर रहे हैं। लोग जो जूस है, लस्सी है, वो पी करके इस गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जो लस्सी विक्रेता है उनसे बात करते हैं। क्या किस तरह की जो गर्मी पड़ रही है क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप जो है अभी ग्राहकी हो रही है? बहुत ज़ोर से मस्त ग्राहकी चल रही है, गर्मी पड़ रही है अपनी यहाँ पे, और गर्मी में अपन को लस्सी पीनी चाहिए। आप भी गर्मियाँ आए हो, क्या गर्मी किस प्रकार की पड़ रही है पिछली बार के मुकाबले? इस बार गर्मी ज़्यादा है? गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार, बहुत ज़्यादा है। धूप बहुत तेज है और बाहर निकलने से बहुत तकलीफ होती है। किस तरह से गर्मी से बच रहे हो आप, क्या कोई और? गर्मी से तो क्या है, कहीं भी छाओ खड़े हो जाओ दो मिनट पाँच मिनट के लिए, सीट से मतलब गाड़ी से उतर के वापस बैठना भी हालत खराब है उसमें भी। तो देखिए जोधपुर के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि इतनी भयंकर गर्मी है कि वह घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते और यदि मजबूरी है तो जहाँ भी छाँव दिखती है वह छाँव में जाकर के दो मिनट आराम करते हैं ताकि इस गर्मी से उन्हें राहत मिल सके। शिवप्रकाश, अगर बात करें तो यहाँ पर 85 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है यहाँ पर, और तापमान भी लगातार बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पर लोगों को अगर बात करें तो लोगों को तो दिक्कतें हो रही है, साथ में यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि कुछ दिनों में यहाँ पर तेज लू भी चल सकती है। जी निश्चित रूप से मौसम विभाग ने भी पिछले दिनों ही अलर्ट जारी कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से नौतपा का असर है उस यही कारण है कि लगातार पारा बढ़ेगा और अगले दो दिन तक यह पारा इसी तरह से बढ़ेगा और इस कारण गर्मी भी तेज होगी। उसके बाद मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पारे में कुछ कमी आएगी जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। निश्चित रूप से जोधपुर के लोगों के लिए इस बार की जो गर्मी है वह काफ़ी परेशान करने वाली है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से तापमान बढ़ता जा रहा है उससे लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है, नौतपा में तपी है मरुधरा, यहाँ पर तापमान जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहाँ पर किस तरीके से अपना बचाव किया जाए इस नौतपा को देखते हुए, इस भीषण गर्मी को देखते हुए। और यहाँ रुकेंगे छोटे